नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में पदस्थ डॉक्टर दंपति डॉक्टर यूपा वर्मा और डॉक्टर अक्षय सवाईतुल कोरोना वायरस कोविड 19 में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इनका विवाह 12 फरवरी 2020 को संपन्न हुआ और शादी के बंधन में बंधते ही ये युवा डॉक्टर दंपति अपना फर्ज निभाने मैदान में आ चुके हैं। डॉक्टर यूपा का कहना है कि बचपन से ही उनका सपना था डॉक्टर बनकर देश की सेवा करने का, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वैवाहिक जीवन शुरू होते ही कोविड 19 कोरोना वायरस की राष्ट्रीय आपदा उनके समक्ष खड़ी होगी। हम बिना घबराए अपनी पूर्ण क्षमता के साथ अपना काम कर रहे हैं और यदि हम सुरक्षित रहे तो अपनी भावी पीढ़ी को यह बता सकेंगे कि देश में संकट के समय हमने देश सेवा का बेहतर कार्य किया था और यही एक चिकित्सक का सच्चा फर्ज भी है। डॉक्टर अक्षय सवाईपुर के पिता बैंक के रिटायर्ड मैनेजर हैं और वे अपने पुत्र को मानव सेवा का कार्य करने हेतु प्रेरित करते हैं। डॉक्टर अक्षय का कहना है कि चिकित्सा पेशा सेवा का कार्य है, एक समर्पण एक दायित्व है और इसे हम बखूबी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां एक और डॉक्टर अक्षय इमरजेंसी एमएलसी पोस्टमार्टम आदि कार्य करते हुए ओपीडी में मरीजों को समय देते हैं, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर यूपा एकलव्य हॉस्पिटल में तेलंगाना से आए मजदूरों के दल में शामिल गर्भवती महिलाओं जो क्वारंटाइन हैं उनका भी परीक्षण कर रही हैं। पति पत्नी दोनों मिल बांट कर घर का काम संभालते हुए समय पर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहते हैं और 24 घंटे ऑन कॉल ड्यूटी पर भी सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर अक्षय का कहना है कि कभी कभी मां चिंता करती हैं, लेकिन वे कहते हैं कि मैदान छोड़कर भागना तो बुजदिलों की निशानी है। हम तो मैदान में डटे रहकर हर आपदा का सामना करने को तैयार रहने का फर्ज निभाने के लिए ही चिकित्सक पेशे में आए हैं। ये जब से हमारी शादी हुई है उसके बाद 21 फरवरी को हमने ज्वाइन किया है यहाँ पे। 12 फरवरी को हमारी शादी हुई थी और 21 फरवरी को हमने ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद पता चला कि ये लॉकडाउन है, उसके बाद से हम घर नहीं जा पाए हैं। तो जो मम्मी जी हैं सब, तो वो काफ़ी चिंतित रहते हैं। उनको लगता है कि शादीशुदा जिंदगी अभी तो शुरू ही हुई थी और ये लॉकडाउन की वजह से मतलब कुछ भी, सब कुछ अनप्रडिक्टेबल है, कुछ कह नहीं सकते। तो वो लोग हमें मिस करते रहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं और हम 24 घंटे ड्यूटी करते रहते हैं तो थोड़े से बिजी रहते हैं, हर टाइम अवेलेबल नहीं रहते हैं। जब भी हमें मौका मिलता है तो हम वीडियो कॉलिंग करके उनसे बात कर लेते हैं। जी जी, मेरी नाना जी की डेथ हुई थी 26 मार्च को। तो उनकी अंतिम यात्रा में मैं सम्मिलित नहीं हो पाई, उनकी किडनी फेलियर की वजह से डेथ हुई है। काफ़ी लंबे टाइम से वो एडमिट थे गुजरात में भरूच जिले में। तो उनकी सूचना मुझे मिली थी, किंतु मेरे मामा ने कहा था एक चीज़ कि नाना का ही सपना था, नाना जी का और पापा जी का मेरे, कि डॉक्टर बनना है। तो इस समय आप अगर आप काम नहीं आ पाओगे देश के तो कब आओगे।